हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? एंड क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे? यस, कम ऑन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। एंड हम जो है अभी सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। एसएम के भी रिवीजन्स आएंगे और हम जो है आज इस हमारे इस एक वीडियो में, है ना, हम आज इस एक वीडियो में जो है आपका एफएम के जो चैप्टर नंबर 8 जो है, ठीक है ना, एफएम चैप्टर 8 जो है दोस्तों, उसके जो भी हमारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट आज इस एक वीडियो में ही आपके लिए हम सारा रिविजन करवा के देने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आप अपने सारे दोस्तों को हमारे क्लासेस के बारे में ज़रूर बता देना, सी इंटर FMSM की। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं ultimatecA.com वेबसाइट पे जाके। सारी एनरोलमेंट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। तो हमारे अभी आने वाले अटेम्प्ट्स के भी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होंगे। सो अपने सारे दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर कर सकते हैं। इस हमारे वीडियो पे आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं अगर आपको मुझसे पढ़ के अच्छा लगता है तो, ठीक है। चलिए आगे। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है अभी। सो FM चैप्टर 8 डिविडेंड डिसीजन। अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो पहले जो है FM का चैप्टर नंबर 8 हुआ करता था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, है ना। सो आप सबको पता है कि FM चैप्टर 7 जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, कैपिटल बजटिंग, और चैप्टर 8 था रिस्क एनालिसिस। लेकिन अब न्यू सिलेबस में वो चैप्टर नंबर 8 अब नहीं है, ठीक है। तो उसके बदले क्या हुआ, जो चैप्टर 9 और 10 था हमारे पुराने सिलेबस में, वो अब चैप्टर 8 और 9 हो चुका है। मतलब पुराने सिलेबस में 10 चैप्टर थे एफएम में, अब 9 ही चैप्टर हैं, ठीक है। सो पुराने सिलेबस में चैप्टर 9 था डिविडेंड डिसीजन, जो अब चैप्टर 8 हो गया है, और पुराने सिलेबस में चैप्टर 10 था वर्किंग कैपिटल, जो अब चैप्टर 9 हो गया है, ठीक है। सो इसलिए चैप्टर 8 इज नाउ डिविडेंड डिसीजन एज पर योर न्यू सिलेबस। ये जो हम नोट्स अभी यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमारे रेगुलर बैच में ये सारे नोट्स क्लासेस में लिखवाता हूँ, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं क्लासेस में। यस, एंड ये जो है नोट्स, मैं अलग से भी बाद में आपको इसको बाय करने का अलग से ऑप्शन मिलेगा, मैं बहुत जल्द ये भी शेयर कर दूंगा। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, @CAMVSir, है ना। तो आपको ना ऐसा टेलीग्राम पे सर्च करना है तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। मैं उसमें हमारे बुक्स के क्लासेस के सारे अपडेट्स डालते रहता हूँ, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जैसे कि हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि हम जब भी FM पढ़ते हैं हमें बेसिक्स को हमेशा याद रखना है। आपने देखा होगा FM चैप्टर 5 का रिवीजन जब किया, FM चैप्टर 6 का रिवीजन किया, हर बार मैं स्टार्ट बेसिक्स से करता हूँ, क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिक्स अगर हमारे क्लियर है तो ही हमें आगे की चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है। तो अगेन हम बेसिक की बात करेंगे कि हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें तीन प्रकार के मेजर फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं। पहला होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन बोलता है कि हमें हमारे बिजनेस में हमें कितना पैसा चाहिए और वो पैसा कहाँ से लेके आऊँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलता है कि जब पैसा बिजनेस में आ जाएगा तो अब ये पैसों को कहाँ कहाँ एलोकेट करूँ, कौन से एसेट्स में पैसा लगाऊँ, कौन से फिक्स एसेट्स लूँ, कौन से नहीं लूँ, करंट एसेट्स में कितना मेरा पैसा इन्वेस्टेड होना चाहिए, और फिर क्या करूँगा, मैं एसेट्स में प्रोजेक्ट्स में पैसे लगा के गुड्स सर्विसेज बनाऊंगा, उनको बेचूंगा, उनसे रेवेन्यू कमाऊंगा, देन सारे खर्चे करने के बाद जो फाइनली प्रॉफिट बचेगा उसमें से अब कितना प्रॉफिट मुझे इक्विटी वालों को एज डिविडेंड बांटना है, एंड कितना रिटेन करके रखना है, ये होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन। एंड आज जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो इस ही डिसीजन से रिलेटेड जो चैप्टर है, एक ही चैप्टर है FM चैप्टर 8, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। धन्यवाद, इधर आइए, ठीक है। आगे बढ़े तो बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन ये बोलता है। अच्छा, पहले आपको डिविडेंड समझा। बोलते हैं डिविडेंड क्या होता है, बोलते हैं डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। अब सवाल ये उठता है, सर कौन से शेयर होल्डर, सर इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर? तो बेटा, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात आती है ना, तो इसमें सोचना थोड़ी ना पड़ता है कि कितना डिविडेंड बांटना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का तो फिक्स्ड, एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है ना। तो इनमें सोचना नहीं पड़ता हमें कि अगर प्रॉफिट का अमाउंट बचा है तो फिर हमें प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना ही है। तो डिविडेंड डिसीजन की जब मैं बात करता हूं, यहां पे इक्विटी वालों को जो डिविडेंड मिलने वाला है ना, उसका हम डिसीजन ले रहे हैं कि इक्विटी वालों को कितना डिविडेंड देना है, कितना नहीं, ऐसा। सो डिविडेंड डिसीजन बताता है हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, है ना, इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, एंड कितना हमें रिटेन करके रखना है। अब बात आती है, सर कौन सा प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट? तो बोलते देखो,
देखो वो बोलते हैं कि देखो अगर आपको याद आ रहा हो, हमने आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाया था, ठीक है ना। इनकम स्टेटमेंट एक बार क्विकली मुझे बताइए कैसा होता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं इसमें EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो आपका आ जाता है EBT, है ना। माइनस टकसवा, तो आपका आ जाता है EAT। यस, इसमें से माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ जाता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें मुझे डिसाइड करना है कि कितना इक्विटी डिविडेंड बांटूं मैं और कितना पैसा रिटेन कर लूं। समझ में आ रही बात है। लेकिन अगर मुझे एक बात बताइए, अगर हमारे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने इशू किया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो प्रेफरेंस डिविडेंड का वैल्यू आएगा जीरो। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो क्या होगा? हमारा EAT ही आपका EFES बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम यहाँ पे कौन से प्रॉफिट को बांटने की बात कर रहे हैं? हम एक्चुअली यहाँ पे अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये अमाउंट को बांटने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में बहुत बार ये भी लिखा होता है, तो ये तब लिखा होता है जब हमारे क्वेश्चन में अगर समझो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो क्या होगा? तो जो वैल्यू अर्निंग्स आफ्टर टैक्स की आएगी या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो वैल्यू आएगी, वही वैल्यू सेम इसकी रहेगी, ऐसा। तो हमें यहां पे ये डिसाइड नहीं करना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है, अरे ये तो फिक्स रेट होता है वैसे भी। हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से EFES में से कितना इक्विटी कितना रिटेन अर्निंग। डन है बात, आगे बढ़े। तो यहां पे देखो हमने वो चीज यहां पे आपको लिखी हुई है कि हम यहां पे कौन से प्रॉफिट को बांट रहे हैं, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, या इसने लिखा है पैट। पर पैट की बात कब करेंगे हम? कब पैट को बांटेंगे इक्विटी वालों में? जब क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ना हो, तो तब पैट और EFES सेम होता है, ऐसा। आगे फिर बात आती है इंपॉर्टेंट डेट्स रिगार्डिंग डिविडेंड। मैंने ये कुछ एडिशनल बच्चों को करवाया था हमारे क्लासेस में, एक बार एकदम क्विकली आपको बता रहा हूं। तो ये आप वैसे लॉ में भी पढ़ते हैं आई गेस, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, कंपनीज एक्ट में शायद से कुछ सेक्शन नंबर 124 के आसपास कुछ होता है ना, डिविडेंड के लिए जो होता है, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट 2013 में। चलो ठीक है, देखते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है ना, आप मुझे बताएंगे जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको तो लॉ आता है अच्छे से। चले आइए, वापस आइए। तो डिविडेंड के केस में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, सबसे पहले ना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसे बोलते हैं डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। तो समझो अगर 1 अगस्त है मेरा डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, इस डेट को कंपनी अनाउंस करती है कि वो कितने अमाउंट का डिविडेंड देने वाली है, उसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है और पेमेंट डेट ये अनाउंस करती है। कौन कौन अनाउंस करता है? ये कंपनी अनाउंस करता है डिक्लेरेशन डेट पे। अब उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सुनना भी ध्यान से, कुछ बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ। समझो अगर हमारा कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, वो इसके पहले डिक्लेरेशन डेट के पहले हमारा कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा था फॉर एग्जाम्पल 150 रुपीज़, ठीक है। और 1 अगस्त को क्या हुआ, कंपनी ने बोला कि हम 30 रुपीज का डिविडेंड बांटने वाले हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा सोच के देखो। अगर 3 अगस्त, सॉरी 1 अगस्त को कंपनी ने बोल दिया कि हम डिविडेंड बांटने वाले हैं 30 रुपए का, अब क्या होगा, लोग क्या करेंगे, धनाधन शेयर खरीदना चालू कर देंगे ना अब तो, क्योंकि उनको पता है कि 30 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। तो जैसे ही बेटा कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, उसी दिन से क्या होता है ना कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो पुराना मार्केट प्राइस प्लस डिविडेंड का अमाउंट, उतने अमाउंट से ट्रेड होना चालू हो जाता है मार्केट में। मतलब कि हमारे कंपनी का जो मार्केट प्राइस पर शेयर है ना, हो जाता है 180 रुपए। कैसे सर? 150 प्लस 30 रुपए। क्योंकि बेटा क्या होगा, अगर डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद लोगों ने ले लिया, तो उनको तो बैठे बैठे 30 रुपए मिल जाएंगे, है ना, उनको तो बैठे बैठे 30 रुपए डिविडेंड मिल जाएगा। जो लोगों ने पहले से शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, उनको मिलना चाहिए ना डिविडेंड एक्चुअल में। तो ये तो क्या बात हुई, पहली आपने शेयर ले लिया और आपको क्या 30 का डिविडेंड मिल, मतलब 30 का फायदा हो गया अलग से, ऐसा। तो क्या होता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या होते बताओ, हम ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट सब परफेक्ट है ना, मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन सबके पास होती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, तो जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो डिविडेंड अमाउंट इसमें ऐड हो जाता है, और उतने अमाउंट से फिर वो शेयर प्राइस मार्केट में ट्रेड होना चालू हो जाता है। मतलब अगर समझ लीजिए, समझो सचिन, अगर सचिन को ऐसा लगा कि सर मुझे ना ये कंपनी तो 30 रुपए का डिविडेंड देने वाली है, चलो अब मैं शेयर खरीद लेता हूं, तो इसको शेयर 180 रुपए में ही मिलेगा। और होगा क्या कि इसको डिविडेंड पेमेंट डेट पे 30 रुपए जब मिल जाएंगे, तो नेट इसके जेब से 150 रुपए ही गए, इसको क्या बताओ कुछ एडिशनल अलग से मिला नहीं। लेकिन जो लोगों ने पहले से शेयर्स होल्ड करके रखे थे डिक्लेरेशन डेट के पहले भी, डिविडेंड इनको भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअल फायदा किसको होगा डिविडेंड का, जो लोगों ने इसके पहले शेयर्स होल्ड करके रखे हैं उनको, ऐसा।
ठीक है। सो डिक्लेरेशन डेट में डेट को क्या होता है, कंपनी अनाउंस करते कितना डिविडेंड देने वाली है, रिकॉर्ड डेट, पेमेंट डेट, ठीक है। और फिर क्या होगा, इस डेट से ही जो कंपनी का शेयर प्राइस है वो कम डिविडेंड, वो क्या होता है, वो कम डिविडेंड ट्रेड होना चालू हो जाता है। कम डिविडेंड का मतलब होता है कि इस प्राइस में डिविडेंड का अमाउंट इंक्लूड है, तो शेयर प्राइस जो है कम डिविडेंड ट्रेड होना चालू हो जाता है। तो 150 में 30 ऐड कर दिया तो 180 पर शेयर प्राइस चलेगा। अब बात आती है जिसको बोलते हैं बेटा एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट का मतलब होता है कि ऐसा डेट जिसके पहले आपको शेयर खरीद के रखने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपने शेयर उस एक्स डिविडेंड डेट को खरीदे या इसके बाद खरीदे तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है, इट इज द डेट When investors need to buy share before this date if they want dividend। अब हमारे इंडिया में क्या है ना, अभी T+1 का सेटलमेंट पीरियड चलता है। T+1 मतलब अगर मैंने आज मंडे को शेयर खरीदा तो मुझे ट्यूजडे को वो रिफ्लेक्ट होता है मेरे डीमैट अकाउंट में। सो इन इंडिया नाउ T+1 सेटलमेंट पीरियड इज फॉलोड। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट सेम डे पे आता है। समझ लीजिए, प्लीज बात समझ लीजिए। अगर समझ लीजिए मेरा जो एक्स डिविडेंड डेट जो है वो यहाँ पे क्या है बताओ, 22 अगस्त है ना। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज 22 अगस्त, बोलते हैं कि आपको जो है कम से कम 21 अगस्त तक शेयर को खरीद के रखना पड़ेगा, तब जाके ही 22 अगस्त को आपको शेयर दिखेगा आपके डीमैट अकाउंट में। सो ऐसा कौन सा डेट है जिसके पहले तक शेयर खरीद के रखने पड़ेंगे तब जाके डिविडेंड मिलेगा, वो होता है एक्स डिविडेंड डेट। और रिकॉर्ड डेट क्या होता है, ये ऐसा डेट होता है जिस डेट को कंपनी के रिकॉर्ड्स में आपका नाम एज अ शेयर होल्डर होना चाहिए। तो अगर समझिए कि रिकॉर्ड डेट है 22 अगस्त, मतलब कंपनी बोल रही है कि 22 अगस्त को आपका नाम हमारे कंपनी के रिकॉर्ड्स में होना चाहिए, तो उसके पहले तुम्हारे पास शेयर आ जाना चाहिए या 22 अगस्त तक तुम्हारे पास शेयर आ जाना चाहिए। और अगर तुमको 22 अगस्त को शेयर चाहिए तो तुमको मिनिमम 21 अगस्त को शेयर खरीद के रखना पड़ेगा। तो 21 अगस्त एक्स डिविडेंड डेट नहीं है, हमारा रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट दोनों सेम डे पे आता है, क्योंकि अब T+1 सेटलमेंट है। इसलिए एक्स डिविडेंड डेट बोलता है कि ऐसा डेट जिसके पहले शेयर खरीद के रखना है, और रिकॉर्ड डेट बोलता है कि इस डेट को तुम शेयर होल्डर होने चाहिए ऐसा, ठीक है। और फिर फाइनली बेटा आता है आपका पेमेंट डेट। पेमेंट डेट क्या होता है, जिस डेट को कंपनी एक्चुअल में डिविडेंड पे करती है उनके एलिजिबल शेयर होल्डर्स को। एलिजिबल शेयर होल्डर मतलब कि वो लोग बेटा जो शेयर होल्डर थे 22 अगस्त वाले डेट को कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो शेयर होल्डर थे उनको ही डिविडेंड मिलता है। समझ मारी बात है? ओके डन। तो अब बात आती है इसमें कम डिविडेंड प्राइस, एक्स डिविडेंड प्राइस। कम डिविडेंड प्राइस कब रहती है, ये पीरियड में रहती है कम डिविडेंड प्राइस। हमारी प्राइस जो है मार्केट में होते कम डिविडेंड, कम डिविडेंड प्राइस। इसमें क्या होता है, हमारे नॉर्मल प्राइस में जो है डिविडेंड ऐड हो जाता है और ये प्राइस ट्रेड होती है मार्केट में। और एक्स डिविडेंड डेट से, इस डेट से क्या होता है, क्योंकि देखो अब 22 अगस्त को अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको डिविडेंड अब तो नहीं मिलने वाला, तो क्या होता है 22 अगस्त को शेयर प्राइस फिर से 150 रुपये हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब अगर आप शेयर खरीद भी लोगे तो डिविडेंड तो तुमको वैसे भी नहीं मिलने वाला। तो अब आपका सवाल उठेगा, सर यहां पे 180 क्यों हुआ, क्योंकि ढोकलो जो लोगों ने पहले शेयर खरीद के रखा होगा एक्चुअल में तो यही लोग डिजर्व करते हैं ना कि इनको फायदा हो डिविडेंड से। तो इसलिए जैसे ही डिविडेंड अमाउंट आपका डिक्लेयर होता है उसके बाद कम डिविडेंड प्राइस चलती है और एक्स डिविडेंड डेट से एक्स डिविडेंड प्राइस चलती है। तो अब यहां से एक्स डिविडेंड प्राइस चलेगी, तो यहां पे चेक करो जल्दी से। तो आपका कम डिविडेंड प्राइस क्या होता है, कम डिविडेंड मतलब विद डिविडेंड, तो ये होता है आपका एक्स डिविडेंड प्राइस प्लस आपका डिविडेंड पर शेयर, इससे आता है कम डिविडेंड प्राइस आपका, ठीक है। और आपका एक्स डिविडेंड प्राइस कैसा आएगा मुझे बताओ, एक्स डिविडेंड प्राइस कैसा आएगा, तो आपको अगर क्वेश्चन में कम डिविडेंड प्राइस दिया है तो उसमें से आपको डिविडेंड पर शेयर माइनस करना है तो आपको आता है एक्स डिविडेंड प्राइस। तो अब हमें याद क्या रखना है, याद हमें यह रखना है कि हमें जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं ना, हम एक्स डिविडेंड प्राइस को यूज करते हैं। हम कम जो भी फॉर्मूलाज में आप देखते हैं ना डिविडेंड अगर कभी भी फॉर्मूला में आपको दिखता है तो वो डिविडेंड का अमाउंट एक्स डिविडेंड वाला होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगली बात है ना, ये कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं, थ्योरी वाला अलग से बाद में करने वाले हैं, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं, इधर आइए। अब अगला जो मेन पॉइंट हमारे इस चैप्टर में आता है वो आता है आपका थियोरीज ऑफ डिविडेंड, है ना। जैसे हमने FM चैप्टर 5 में देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज, वैसे यहाँ पे होता है थियोरीज ऑफ डिविडेंड। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, बोलते हैं इररेलेवेंस थ्योरी, रेलेवेंस थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी, चेक करेंगे। बोलते हैं इररेलेवेंस थ्योरी क्या बोलता है, ध्यान दीजिए।
हमारा इररेलेवेंस थ्योरी क्या बोलता है, प्लीज चेक कीजिए। बोलते हैं इररेलेवेंस थ्योरी बोलता है कि डिविडेंड, इनका ऐसा मानना है जिन लोगों ने इररेलेवेंस थ्योरी बनाई कि डिविडेंड डिविडेंड इररेलेवेंट होता है। मतलब इनका ऐसा मानना है कि आप चाहे कितना भी डिविडेंड बांटो, हमारे कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर चेंज नहीं होता। ऐसा किनका मानना है, ये लोगों का, राइट। और इसमें कौन सी थ्योरी आती है, इसमें आता है आपका MM अप्रोच वाला, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच, यस। लेकिन रेलेवेंस थ्योरी वाला क्या बोलते हैं, रेलेवेंस थ्योरी वाले बोलते हैं कि डिविडेंड डिसीजंस आर रेलेवेंट। इनका ऐसा मानना है कि अगर आप ज्यादा डिविडेंड पे करोगे, कम डिविडेंड पे करोगे या डिविडेंड पे ही नहीं करोगे, ये तीनों केसेस में मार्केट प्राइस पर शेयर अलग अलग आता है। तो आप जैसे जैसे डिविडेंड का अमाउंट चेंज करोगे, वैसे वैसे मार्केट प्राइस पर शेयर भी आपका चेंज होता है, ऐसा इनका मानना है। इसमें दो थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं, वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन्स मॉडल। एंड फाइनली आपका आता है बेटा ट्रेडिशनल थ्योरी, है ना, जो ट्रेडिशनल मॉडल्स है। वैसे इंस्टीट्यूट ने ये पार्ट हटा दिया है आपके सिलेबस में से, लेकिन इंस्टीट्यूट ने बेटा लिंटर्स मॉडल अलग से दे दिया है। तो अभी टेक्निकली देखा जाए तो ग्राहम एंड डॉट वाला आपके बुक में इसका कॉन्सेप्ट लिखा नहीं है, लेकिन इस पे भी इंस्टीट्यूट ने बाद में अलग से कुछ MCQ किया या पूछा हुआ है। तो मैंने क्या किया, बच्चों को ये पढ़ाई दिया है, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है दोनों, तो मैंने पढ़ाई दिया ये पूरा, ठीक है ना। तो हम लोग उसका टेंशन लेना नहीं कि सिलेबस में है कि नहीं है, लिंटर तो है ही, ये नहीं है बुक में, लेकिन ये पहले था, पुराने सिलेबस में था, और इस पर कुछ MCQ बना के रखा है इंस्टीट्यूट ने, तो ये भी करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो तो डन है बात, ये हमारे थ्योरीज और डिविडेंड है, आगे बढ़े। अब अगली बात आती है, तो अब हम क्या करेंगे ना, अभी ये एक एक थ्योरी को यहाँ पे पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका MM अप्रोच, जो कि इररेलेवेंस थ्योरी है। ये क्या बोलता है, कम ऑन, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमारा डिविडेंड डिसीजन एक इररेलेवेंट डिसीजन है, चाहे आप डिविडेंड कितना भी बांटो, कंपनी का शेयर प्राइस चेंज नहीं होता है, इनका ऐसा मानना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, बोलते हैं कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, डिपेंड सोलली ऑन दी अर्निंग पावर, ऑन दी अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर या EPS। बोलते हैं कंपनी का मार्केट प्राइस ना EPS पे डिपेंड करता है। तुम अभी EPS में से चाहे कितना भी डिविडेंड बांटो, कितना भी रिटेन करके रखो पैसा, इस ये मैटर नहीं करता, कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर मैटर करता है कंपनी का शेयर प्राइस। इसलिए बोलते हैं कि मैं समझो, अगर मेरे कंपनी का EPS है 10 रुपये, ठीक है ना, और अगर मेरा DPS है मेरा 6 रुपये, और मेरा रिटेन अर्निंग पर शेयर फिर कितना होगा, 4 रुपये, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, चाहे मैं डिविडेंड 6 रुपये बांटूँ, चाहे मैं डिविडेंड 2 रुपये बांटूँ, 8 रुपये रिटेन अर्निंग, चाहे मैं डिविडेंड 5 रुपये बांटूँ, 5 रुपये रिटेन अर्निंग, चाहे मैं डिविडेंड 3 रुपये बांटूँ, 7 रुपये, चाहे कुछ भी करूँ, हमारे कंपनी का शेयर प्राइस समझो अगर है, एग्जाम्पल समझो MPS है 50 रुपये, तो ये 50 का 50 ही रहेगा। आप डिविडेंड चाहे जितना बांट लो 10 रुपये में से, वो मैटर नहीं करता, ऐसा मानना था MM का, मोदी गिलानी मिलर, हाँ वही वाले हैं ये जो FM चैप्टर 5 में थे। देन इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं, हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, रिवीजन क्लास चल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं हम स्टेप्स फॉर सॉल्विंग MM अप्रोच क्वेश्चन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और 2 अलग अलग केसेस आपको बनाने पड़ते हैं। आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या बताओगे, आप सल्यूशन में ये बताना चाहते हो, आप सल्यूशन में ये बताना चाहते हो यहाँ पे कि आप चाहे डिविडेंड पे करो या ना करो, कंपनी का जो वैल्यू है, कंपनी का जो मार्केट प्राइस है, वो सेम रहता है, ये आप यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं केस 1 कि समझो कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं किया, और केस 2 समझो कंपनी ने डिविडेंड पे किया है। दोनों केसेस में हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके बताते हैं कंपनी की, और बोलते हैं कि देखो दोनों केसेस में मार्केट वैल्यू सेम आती है, दोनों केसेस में मार्केट वैल्यू सेम आती है, ठीक है ना। अच्छा पता नहीं क्या हो गया, धनाधन कॉल पे कॉल आते जाते। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है डन है। तो अब आइए धन, तो अब ना मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था क्लासेस में, वैसे तो और बहुत सारे कर रहे थे, ये एक Illustration 1 मैंने हमारे ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर है ना, इसको मैं कॉन्सेप्ट रजिस्टर बोलता हूँ हमारे क्लासेस के लिए, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स जो है हमारे, ध्यान दीजिए प्लीज, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे Illustration 1, ध्यान दीजिए क्या होता है कि आपको ना क्वेश्चन में Year 0 का कुछ डेटा दिया रहेगा। Year 0 मतलब प्रेजेंट, आज टुडे, ये होता है Year 0, ठीक है ना। तो उसका कुछ डेटा दिया रहेगा कि आज कंपनी के कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, आज कंपनी का शेयर प्राइस कितना है। तो आज कंपनी के 10,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, और शेयर प्राइस है 100 रुपये पर शेयर। हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने अज्यूम किया कि कोई भी डेट नहीं है, ठीक है ना, कोई भी डेट नहीं है,
रिटर्न अर्निंग हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखो, एक अजम्पशन इनका बस काम का इसलिए बता देता हूँ कि न्यू इन्वेस्टमेंट, जब भी अगर हमें बिजनेस में आगे फ्यूचर में पैसा चाहिए होगा, सो इट विल बी ओनली इक्विटी फाइनेंस्ड, है ना। इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी में दोनों आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। तो जब भी हमें बिजनेस में पैसा लगेगा ना, हम डेट से नहीं लाएंगे, मतलब डेट नहीं है, हम डेट को इग्नोर कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे, जब भी बिजनेस में पैसा लगेगा या तो इक्विटी शेयर कैपिटल या तो रिटेन अर्निंग ही यूज करेंगे, ऐसा, ठीक है, या इसमें अजम्पशन होता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे हमारे कंपनी का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, वो इट इज इक्वल टू के ई। क्यों इट इज इक्वल टू के ई? क्योंकि हमारे कंपनी में जब सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर ही है तो सिर्फ उनका ही एक्सपेक्टेशन होगा ना, बाकी है ही नहीं, तो फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से इक्वल हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो हमारे कंपनी में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर ने, वो एक्सपेक्ट करते हैं 10% का रिटर्न। समझ में आ रहा है? आगे फिर फर्स्ट ईयर के एंड एंड का आपको कुछ डेटा दिया रहता है। आपको बोलेंगे, समझो फर्स्ट ईयर के एंड में अर्निंग्स हैं 1 लाख रुपए, है ना। अर्निंग्स आपने मतलब साल भर में 1 लाख रुपए की कमाई हुई आपकी, अर्निंग्स, है ना। बोलते हैं देन आय क्या है, इन्वेस्टमेंट, कि फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 2 लाख रुपयों की जरूरत है, कोई फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। और अब बात आती है फर्स्ट ईयर के एंड में आप ये सोच रहे हैं कि आप डिविडेंड बांटेंगे 5 रुपए पर शेयर। इसको लिखा है D1। क्यों लिखा है D1? क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के एंड का डिविडेंड है, D1, ठीक है ना। सो अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करके बताना है कि चाहे अगर मैं ये डिविडेंड पे करूं या ना करूं, दोनों केस में वैल्यू हमारा सेम आता है। तो हम क्या करते हैं, इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, हमको प्राइस निकालना होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देन हमें निकालना होता है फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, देन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड फॉर बैलेंस फंड रिक्वायर्ड, एंड फाइनली वैल्यू ऑफ फर्म निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहला केस हम बोलेंगे, सपोज ऐसा समझो कि डिविडेंड हमने पे नहीं किया, ये 5 रुपए का डिविडेंड हमने फर्स्ट ईयर के एंड में पे नहीं किया, तो अब हमारा कंपनी का वैल्यू क्या आएगा, ऐसा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, आज हमारे कंपनी का मार्केट प्राइस क्या है, 100 रुपए। तो अगर आज कंपनी का मार्केट प्राइस 100 रुपए है, तो 1 साल बाद ये कंपनी का मार्केट प्राइस कितना होगा, कितना होगा, ये बताना है हमें, ठीक है ना, ये हमें बताना है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए ना आपको एक बहुत बढ़िया एक एग्जांपल ऐसा समझा के दिया था क्लास में, याद करो, मैंने आपको बोला था कि ये आप वो भूल जाओ जो भी हुआ, ठीक है ना। इधर आइए, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 0 और 1, ठीक है। ऐसा समझो कि आपको जो है ना, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, यस प्लीज सुनेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज आपको ना किसी चीज़ की वैल्यू निकालनी है, आपको आज किसी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ये चीज़ को खरीद के आपको फर्स्ट ईयर के एंड में, ये चीज़ को खरीद के आपको फर्स्ट ईयर के एंड में आपको समझो कुछ इनकम होगी, या समझो आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा 10 रुपए का, और फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस हो जाएगी इसकी एग्जाम्पल 120 रुपए, ठीक है ना। और आपका एक्सपेक्टेड रेट है, मतलब आप किस रेट से पैसा कमाना चाहते हैं, वो है समझो आपका 15%, राइट। तो फिर से अगर मुझे आज समझो किसी शेयर की वैल्यू निकालनी है, जिस शेयर से 1 साल बाद मुझे डिविडेंड मिलेगा 10 रुपये, और 120 का शेयर प्राइस हो जाएगा, और मैं 15% से रिटर्न कमाना चाहता हूँ, तो ऐसे शेयर की आज की वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हमें जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है, हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करते हैं 1+ हमारा एक्सपेक्टेशन से, है ना। सो हमारा फ्यूचर वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये है P1+D1, दिस इज आर फ्यूचर वैल्यू। इसको डिवाइड किससे करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 1+ हमारे एक्सपेक्टेशन से। तो क्या होगा, इससे मुझे आज की वैल्यू मिलेगी, इसकी आज का प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो अब अगर मैं इसी चीज को क्या कर दूं, मैं अगर इसी चीज को ऐसे लिखूं कि P0, अब इसको ऊपर ले जाता हूं, P1+K विल बी P1+D1, मतलब कि P1 कैसा आएगा, P0 × 1+KE − D1, बस यही तो फॉर्मूला है। चेक करो, हमारे P1 का फॉर्मूला है P0 × 1+KE − D1। तो सिंपल फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूला से ये चीज आती है, ठीक है ना। सो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले
कम ऑन, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो है हमारे शेयर का प्राइस निकालना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। कैसा आएगा, पी जीरो इंटू वन प्लस के माइनस डी वन। तो पी जीरो क्या है हमारा, पी जीरो है आज का प्राइस है ₹100 इंटू वन प्लस के, मतलब 1+10% है ना, मतलब 1+0.10। मैंने आपको समझाया था ये बेटा, मैं अगर लिखूं 0.35 इसका मतलब ही होता है 35%, मैं अगर लिखूं 0.10 इसका मतलब ही होता है 10%, 10% मतलब 10/100 मतलब कि 0.10, 35% मतलब 35/100 मतलब कि 0.35 है ना, तो इसका मतलब ही होता है, ठीक है ना, ध्यान देना है, ध्यान दीजिए, यस प्लीज ध्यान दीजिए, आगे बढ़े नेक्स्ट। ये समझ में आ रही क्या बात है, मैं क्या बोल रहा हूं, यस। तो मैं जब यहां पे लिखता हूं 10%, तो 10% का मतलब क्या है 0.10 है ना, 10% का मतलब क्या 0.10, तो इसलिए 100 इंटू 1 प्लस के माइनस, हमने फर्स्ट केस में क्या अज्यूम किया है कि डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, तो माइनस डी वन, तो डी वन क्या है जीरो रहेगा। क्यों जीरो, क्योंकि फर्स्ट केस में अज्यूम कर रहे कि डिविडेंड पे नहीं किया, इसलिए जीरो रहेगा। तो हमारा पी वन कितना आया 110। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में निकालना होता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे, हमको 2,00,000 रुपये चाहिए। अब कितना पैसा मेरे पास ऑलरेडी है और कितना लेके आना पड़ेगा वो निकालना पड़ता है सेकेंड स्टेप में। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। क्या करूंगा मैं, लिखूंगा कि देखो मैंने साल भर में अर्निंग्स कमाई 1,00,000 रुपये, इसमें से मुझे डिविडेंड कुछ भी नहीं देना क्योंकि हमने अज्यूम किया कि डिविडेंड पे नहीं कर रहे अभी। तो मेरे पास पैसा बचा कितना है, 1,00,000 रुपये का रिटेन अर्निंग बचा है, पर मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2,00,000 रुपये चाहिए। ओहो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2,00,000 चाहिए पर पड़े हैं सिर्फ 1,00,000 रुपये, है ना। इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2,00,000 चाहिए लेकिन सिर्फ पड़े हैं कितने, लेकिन पड़े हैं सिर्फ 1,00,000 रुपये, तो और 1,00,000 रुपये लेके आने पड़ेंगे ना। सो बैलेंस और एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट टू बी रेस्ड बाय इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर एट पी वन इज व्हाट इज 1,00,000। समझ में आ रहा है। तो बोलते हैं अब ये 1,00,000 रुपये मैं लाऊंगा कहां से, बोलते ये जो 1,00,000 रुपये है ना ये मैं कहां से लाऊंगा, बोलते देखो हमने आपको स्टार्टिंग में अजम्पशन बताया था कि हमको बिजनेस में जब भी पैसा लगता है ना यहाँ पे इस केस में, तो या तो रिटेन अर्निंग का यूज करेंगे या इक्विटी इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर्स। तो अब क्या है, मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में एडिशनल 1,00,000 रुपयों की जरूरत है, तो वो 1,00,000 लाऊ कहाँ से, नए शेयर्स इशू करके। अब वो नए शेयर्स इशू कितने अमाउंट पे करूंगा, पी वन वाले प्राइस पे। तो इसलिए हमने स्टेप वन में पी वन निकाला होता है, आप समझ पा रहे हैं, इसलिए हमने स्टेप वन में पी वन निकाला होता है, ठीक है। एक बार प्लीज आप इसको देखेंगे, इस चीज को प्लीज देखें एक बार, और मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपको क्या ये बात समझ में आ रही है क्या, ये प्लीज मुझे जल्दी बताएंगे कि आपको ये बात समझ में आ रही है। चले डन है क्या, मुझे बताइए, है ना, क्या डन है बात, पक्का है ना बेटा। कोई भी इशू आता है प्लीज, आपको अल्टीमेट पे कभी भी कोई भी इशू आए प्लीज सपोर्ट फॉर्म को फिल करें हमारे, है ना। सपोर्ट फॉर्म की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या आप ultimatecia.com/support है ना, ultimatecia.com/support, ये लिंक पे जाना है, आपको फॉर्म फिल करना है, वेट कीजिए, हमारी टीम आपको 1-2 दिन में कॉल करके आपका इशू रिजॉल्व कर देगी, ठीक है। चलिए डन है, बात समझ में आ रहा है। तो अब ये 1,00,000 रुपये जो चाहिए बिजनेस में, और कहाँ से लेके आऊँ, कैसे लेके आऊँ, बोलते हैं काम करो, ये जो 1,00,000 रुपये तुमको चाहिए ना और बिजनेस में, ये आप लेके आ सकते हैं नए शेयर इशू करके, और नए शेयर इशू कितने पे करूंगा, इस प्राइस पे।
अब देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इश्यूड फॉर बैलेंस फंड रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा मेरा, इट विल बी 1 लाख अपॉन 110। बैलेंस फंड मुझे चाहिए 1 लाख रुपए और एक शेयर इशू करूंगा 110 रुपए का। अब इसको ना ऐसे ही रहने देना, इसको पॉइंट में लिखने का नहीं, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला में आगे ये कट कट होने वाले, इसलिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स को ऐसे ही लिखना, 1 लाख अपॉन 110। अब फाइनली हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ फर्म। हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, वही हमारे कैश फ्लो टेक्निक से, हमारे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के टेक्निक से हम निकालते हैं हमारे वैल्यू ऑफ फर्म। बेटा देखो, जब भी जनरली हम वैल्यू निकालते हैं ना, वैल्यू ऑफ फर्म, हम आज की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वैल्यू ऑफ फर्म कब की निकल रही है, एट ईयर जीरो। ये वैल्यू ऑफ फर्म निकल रही है एट ईयर जीरो, ठीक है ना। सो कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ फर्म, मुझे आज का वैल्यू निकालना है कंपनी का, कैसे निकालूं? तो बोलते देखो, हमारे ईयर वन में जो भी हमारा सिचुएशन है उसको 1 साल से डिस्काउंटिंग कर दो, तो आज का वैल्यू मिल जाएगा ऐसा। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या, हमारे फर्स्ट ईयर के एंड में क्या है हमारा सिचुएशन, बोलते हैं कि हमारे पास टोटल शेयर्स हैं N+N1। हमारे पास टोटल शेयर्स हैं कितने, एन। एन तो क्या थे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर थे, और N1 थे जो और नए शेयर्स मैंने इशू किए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, याद आ रहा है? तो मेरे पास टोटल शेयर है N+N1। कब कब है ये नंबर ऑफ शेयर्स, ईयर वन के एंड में। और अब इन सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P1। तो P1 ये होगी मेरी मार्केट वैल्यू कंपनी की। अब मैंने साल भर में क्या कुछ कमाया भी है क्या, हाँ मैंने साल भर में क्या किया है, मैंने साल भर में अर्निंग्स कमाई। बट क्या होगा, इसमें से 2 लाख रुपए मेरे यूज हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मेरा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, ये मेरा कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बन जाएगा, ये समझ में आ रहा है? और इसको जब मैं डिवाइड कर दूंगा 1+KE^1 से, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड का कैश फ्लो है, तो 1 साल से ही डिस्काउंटिंग इसकी करनी है। सो डिवाइडेड बाय 1+KE, तो आपको क्या मिल जाता है, वैल्यू ऑफ फर्म आज का। तो मैं क्या बोलूंगा, 10,000 था आपका एन, देन ये आ जाता है 1 लाख अपॉन 110, इसको करेंगे P1 प्लस आपका अर्निंग्स 1 लाख माइनस इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इसको डिवाइड कर देंगे 1+R से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आज की कंपनी की वैल्यू 10 लाख रुपए मिल जाएगी। अच्छा, आप जो है ना इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, कंपनी का जो वैल्यू है ना आपका वैल्यू ऑफ फर्म, इसको आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आप एन को मल्टीप्लाई कर दे P0 से, तो भी वैल्यू ऑफ फर्म आता है आज का। तो ये आप क्रॉस वेरीफाई के लिए यूज कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये लिखना नहीं है डायरेक्ट एग्जाम में, पर आपके क्रॉस वेरिफिकेशन का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगली बात डन है, बात मुझे बताइए, कमॉन, यस और नो? ओके, तो हमने क्या किया, जब डिविडेंड पे नहीं करते हैं तब 10 लाख है वैल्यू। तो सर अगर डिविडेंड पे करेंगे तो क्या होगा, फिर से चारों स्टेप करने हैं। बट अब अज्यूम करेंगे व्हेन डिविडेंड्स आर पेड, तो पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर P1, P0 × 1+KE − D1, तो 100 × 1+0.10 − 5, तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा 105। अब P1 अलग आएगा, क्यों आया सर अलग P1, क्योंकि अब डिविडेंड पे कर रहे हैं ना, इसलिए P1 अब अलग आएगा इस केस में। अब फिर से करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, अर्निंग है 1 लाख की, लेकिन अब क्या होगा, हम डिविडेंड देने वाले हैं 5 रुपए का। अच्छा, डिविडेंड जो है बेटा, जो यहां पे नए शेयर इशू करूंगा, क्या इस पे डिविडेंड दूंगा क्या, नहीं ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स है इस पे डिविडेंड दूंगा। सो 5 रुपए का डिविडेंड दूंगा ये शेयर पे, तो कितना हो जाएगा, 50,000 का डिविडेंड। तो देखो 1 लाख माइनस 50,000, तो बैलेंस अब कितना बचा पैसा, रिटेन अर्निंग का 50,000 मेरे पास बचा, ठीक है। पर मुझे इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। तो जो बैलेंस अमाउंट मेरा बचा 1.5 लाख रुपए, ये कहां से लेके आऊं मैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 लाख चाहिए थे, 50,000 रिटेन अर्निंग से आ गए, तो बाकी का 1.5 लाख कहां से लाऊं, नए शेयर इशू करके। कितने रुपए पे इशू करूंगा नए शेयर, 105 रुपए पे इशू करूंगा अब। सो नेक्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर बैलेंस फंड रिक्वायर्ड, जो कि जिसको बोलते हैं N1। तो N1 आएगा बैलेंस फंड जो आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय योर P1। तो 1,50,000 अपॉन 105, इसको ऐसे ही रहने देना क्योंकि बाद में कट होने वाला है, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे स्टेप 4, N+N1 × P1 + अर्निंग − इन्वेस्टमेंट, तो कैश फ्लो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर डिवाइड कर दिया 1+KE से, तो आपको अगेन वैल्यू 10 लाख ही आनी है। मतलब क्या हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट MM अप्रोच ने जो चीज़ बोली थी वो बिल्कुल सही है, कि चाहे कंपनी डिविडेंड पे करे या ना करे, वैल्यू ऑफ फर्म रिमेन्स द सेम। आपको याद रखना है बेटा, यहाँ पे जो हम रेलेवेंस इररेलेवेंस थ्योरी पढ़ते हैं, इसका चैप्टर 5 के रेलेवेंस इररेलेवेंस से कुछ लेना देना नहीं है।
चैप्टर 5 में रेलेवेंस इरेलेवेंस होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के नजरिए से। यहां पे रेलेवेंस इरेलेवेंस होता है आपने डिविडेंड कितना पे किया है उसके नजरिए से। तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। ओके आगे नेक्स्ट, ये डन है, बाद मुझे बताइए। हो गया, बस इतना ही होता है। ये 5 मार्क का सवाल आता है, कौन सा है ये वाला, इतना चिल्टू। तो क्या करना है आपको, बस ये स्टेप्स याद रखने, 4 स्टेप्स आपको, बस ये 4 स्टेप्स जो है ना, बस ये याद रखना है। कहा गया भाई, यही है स्टेप्स फॉर सॉल्विंग एमएम अप्रोच। क्या है देखो, तो पहले दोनों एक केस ले लेगा, उसमें 4 स्टेप करने के, फिर दूसरे केस में 4 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, P1 निकालो ये फॉर्मूला से, फिर निकालो कैलकुलेशन ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, फिर निकालो आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड है ना N1, और फिर आप निकालो वैल्यू ऑफ फंड। खत्म होगी बात, क्या डन है क्या, बस सिंपल सी बात है। यहां तक समझ में आया तो धनादन लाइक ठोकेंगे वीडियो को, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। खत्म हो गया, ये इतना ही करना है इसमें, ठीक है। और इसको क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे ही बताया कि N into P0 करके, तो N into P0 करोगे तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमने जो वैल्यू निकाला बराबर है या नहीं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब MM अप्रोच का एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। एडवांटेज क्या है कि लॉजिकली कंसिस्टेंट है, मतलब लॉजिकली सारे हम चीज़ें आपको समझा पा रहे हैं इसमें, ठीक है ना, लॉजिक बैठ रहा है। एंड इट प्रोवाइड्स अ सैटिस्फैक्टरी फ्रेमवर्क फॉर डिविडेंड पॉलिसी, मतलब एक अच्छा मॉडल है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इसके जो अजम्पशंस हम जो लेते हैं वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है, बहुत रियलिस्टिक नहीं है, और इट मे नॉट बी वैलिड अंडर अनसर्टेंटी, है ना। तो बहुत बहुत ज़रूरी नहीं कि हमारा P1 हमेशा इसी तरह से आए, हमने सोचा था 105 आएगा लेकिन एक्चुअल में भी 105 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अनसर्टेंटी काफ़ी इस मॉडल में, ठीक है, बस डन है बात। आगे बढ़े नेक्स्ट बात आती है हमारे, नेक्स्ट बात आती है वॉल्टर मॉडल की, है ना। अगली बात क्या है बताओ, नेक्स्ट बात आती है आपके, नेक्स्ट बात आती है आपके, क्या बताइए, वॉल्टर मॉडल की, ठीक है ना। तो वॉल्टर मॉडल क्या बोलता है, ध्यान दीजिए, वॉल्टर मॉडल बोलता है कि ये एक रेलेवेंस, ये एक रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट है। पहली बात तो वॉल्टर मॉडल जो है ये एक रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। मतलब इनका बोलना है कि अगर आप डिविडेंड के अमाउंट से मार्केट प्राइस पर शेयर अफेक्ट होता है, इनका ये मानना है, ठीक है ना। तो ये क्या अज्यूम करते हैं कि अगर हमें बिजनेस में कभी भी पैसा लगता है फ्यूचर में, तो रिटर्न अर्निंग से ही वो पैसा यूज़ करेंगे। मतलब कि वॉल्टर बोलता है कि अब नए इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे, अगर बिजनेस में कभी भी आप फ्यूचर में पैसा लगेगा ना, तो रिटर्न अर्निंग वाला पैसा ही यूज़ करेंगे। इनका मानना है कि आर के आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। हमारे मार्केट क्या बताइए, परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स होते हैं, कोई भी टैक्सेस नहीं रहेगा, कोई भी टैक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। टैक्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसा होता है ना बहुत बार कि अगर तुमको डिविडेंड बांटा तो उसका अलग टैक्स लगेगा, लेकिन पैसा रिटेन करके रखा कंपनी में तो उसका अलग टैक्स। बोलते हैं हमें टैक्सेस ही नहीं रखने हैं। मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था FM चैप्टर 5 में कि जनरली थियरीज, कोई भी प्रकार की थियरी बनाते हैं तो अजम्पशंस लेते हैं। क्यों लेते हैं अजम्पशंस, ताकि वो थियरी को हम आसानी से प्रूफ कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जब हम ये टैक्सेस की बात करते हैं कि नो टैक्सेस, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में टैक्स लॉज अलग अलग होते हैं, तो हर जगह पे हम क्या बताएं, कंसिस्टेंट टैक्स रेट नहीं चलता है। तो इसलिए क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि टैक्सेस को इग्नोर करो। ये करने से क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हो जाती है हमारे इस थ्योरी की। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब जब मैं टैक्सेस को इग्नोर कर दूंगा तो अब ये वाला मेथड मैं कहीं भी लगा पाऊंगा, ऐसा, ठीक है। और हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, तो हमने जब शेयर्स इनिशियल इशू किया होंगे तो कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं रहेगा। एंड फर्म का परपेचुअल लाइफ है, मतलब कि फर्म एक गोइंग कंसर्न है, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको आर और के ई के बीच का फर्क बता देता हूँ। के ई होता है बेटा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे सर क्यों कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है बेटा के ओ, लेकिन अगर हमारे बिजनेस में सिर्फ इक्विटी और रिटेन अर्निंग वाला ही पैसा है तो क्या होगा, हमारा के ई बचेगा सिर्फ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है, तो मेरा के ई जो है वही के आर होगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट भी नहीं है। तो इसलिए यही हमारा हो जाता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो बोलते हैं कि हमारा के ई क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इक्विटी एक्सपेक्टेशन, या क्वेश्चन में बहुत बार इसको लिखा होता है कैपिटलाइजेशन रेट, याद रखना है। क्वेश्चन में अगर लिखा है कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब वो आर नहीं, वो के ई का डेटा दे रहा है आपको। तो के ई बताता है कि आपके कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, मतलब आपको कितना
रिटर्न मिनिमम कमाना चाहिए वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आर क्या होता है? आर ये होता है कि हमने एक्चुअल में कितना रिटर्न कमाया। समझ में आ रही बात है? हम जैसे कि समझो आप एग्जाम देने जा रहे हैं एफएमएसएमके, आप चाहते हो कि आपको 90 मार्क्स आए, तो ये आपका एक्सपेक्टेशन हो गया। लेकिन एक्चुअल में आपको है समझो 72, तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में जो आपको मिला वो। तो केई क्या है आपका एक्सपेक्टेशन, कि आपके शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फंड प्रोवाइडर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे रिटर्न। आर क्या है कि तुमने एक्चुअल कितना कमा के दिए, एक्चुअल तुम कितना कमा रहे हो बिजनेस में। तो आर होता है वो रिटर्न इन्वेस्टमेंट, के ही होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट, तो अब इसमें भी इन्होंने पूरा क्या बताइए अलग अलग चीज़ें दी है। इसमें बोलते हैं कि वॉल्टर मॉडल को हम यूज़ करते हैं क्यों, दो चीज़ों के लिए। एक, हम यहाँ पे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालते हैं, एक तो हम यहाँ पे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालते हैं, और दूसरा हम यहाँ पे थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर निकालते हैं इक्विटी शेयर के। सर थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है कि बुक्स के हिसाब से, बुक्स बुक्स के हिसाब से बोलूंगा, या तो फिर हमारे ये अजम्पशंस, ये थ्योरी के हिसाब से प्राइस क्या होनी चाहिए, दैट इज थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस, कि वॉल्टर के थ्योरी के हिसाब से प्राइस क्या होनी चाहिए शेयर की, ऐसा। ठीक है, तो पहली बात आती है कि, है ना, प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रपोजिशन ऑफ वॉल्टर, मतलब वॉल्टर भाई साहब ने क्या बोला, वॉल्टर भाई साहब ने ये बोला कि भैया देखो देखो कि अगर समझो कोई कंपनी है जिसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना, अगर कोई कंपनी बेटा जिसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है आपके आर से, मतलब कि एक्सपेक्टेशन कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मतलब कि आपके कंपनी में जो लोग जो रेट एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा तुम कमा के देते हो, मतलब कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। क्या है बताओ, ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है ना, और जब भी कोई ग्रोथ कंपनी होती है उसको डिविडेंड कभी बांटना ही नहीं चाहिए। बोलते तुम जितना पैसा कमाते हो ना पूरा पैसा वापस रिटेन कर लो बिजनेस में, क्योंकि तुम बिजनेस से ही लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटर्न कमा के दे रहे हो। तो बोलते हैं जब ऐसा होता है तो इट इज़ अ ग्रोथ कंपनी, और आपका ऑप्टिमम डीपीआर क्या है, 0%। अब आप इस बात को समझो, यहाँ पे लिखा है डीपीआर, डिविडेंड पे आउट रेशियो। चलो आइए एक बार मैं ये चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, ये एक बार देख लो भाई, एक बार देख लो ये। तो डिविडेंड में ना ये तीन चीज़ होती है, एक होता है रेट ऑफ डिविडेंड। तो अगर आपको कभी रेट ऑफ डिविडेंड दिया, समझो आपको बोला कि डिविडेंड इज 20%, डिविडेंड इज 20% ऐसा लिखा है, डिविडेंड पे आउट नहीं, डिविडेंड इज 20%, मतलब कि ये होता है ऑन फेस वैल्यू, ठीक है ना। सो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, हमेशा ये फेस वैल्यू पे होता है। तो अगर समझो हमारा फेस वैल्यू है शेयर का 100 रुपये, हमारा मार्केट प्राइस है शेयर का 80 रुपये, और बोला कि रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू का 10% 10 रुपये। समझ में आ रहा है? अगली बात बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो करके एक चीज होती है, डिविडेंड पे आउट रेशियो। बोलते हैं कि तुम्हारा जो अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होता है ना, इसको जब तुम डिवाइड करते हो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो तुम्हें मिलता है अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर कितनी कमाई हुई। अब ये अर्निंग पर शेयर में से तुम्हें डिसाइड करना होता है, समझो अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये, अगर तुमने बोला कि मैं डिविडेंड बांटने वाला हूँ 6 रुपये का, तो बाकी का पैसा रिटर्न कर लोगे आप 4 रुपये का, यस। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ये बताता है कि तुमने अर्निंग पर शेयर में से कितना प्रतिशत डिविडेंड बांट दिया, अर्निंग पर शेयर का कितना प्रतिशत आप पे कर रहे हो एज डिविडेंड, दैट इज डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस, तो 6/10 विल बी 60%। तो हमारे एग्जाम्पल में 60% था डीपीआर, तो डीपीआर अलग चीज होती है और हमारा डिविडेंड रेट अलग चीज होती है, ठीक है ना। सो डीपीआर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, इस ये क्या है पर शेयर था। अब अगर मैं दोनों को नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा टोटल इक्विटी डिविडेंड, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ईएफईएस। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। और एक चीज होती है डिविडेंड पर शेयर, मतलब कि टोटल जो मैंने डिविडेंड दिया है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाता है डीपीएस। या अगर जैसे मेरे पास ईपीएस था 10 रुपये का और मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो था कितना, 60%, तो मेरा डीपीएस जो है ऐसा भी आ सकता है 6 रुपये। सो ये इस तरह से भी आ सकता है डिविडेंड पर शेयर। समझ में आ रही बातें क्या बोल रहा हूँ?
या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको कि जो हमारा फेस वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो डिविडेंड के रेट से। हाँ, पर ये डिविडेंड रेट होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए, तो आंसर करेक्ट आएगा। आप फेस वैल्यू को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करना है तो ईपीएस को करना होता है, ठीक है? तो मैं इस चीज को ऐसा भी निकाल सकता हूँ, फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड का रेट, या रेट ऑफ डिविडेंड जो बोलते हैं ना वो। तो याद रखें, रेट ऑफ डिविडेंड और डीपीआर अलग चीज होती है, ठीक है ना? आइए वापस, ये डन है क्या? मुझे बताइए, कम ऑन फास्ट। तो आपको समझ में आया? तो वॉल्टर क्या बोलता है कि हमारा ऑप्टिमम ऑप्टिमम डीपीआर मतलब ऐसा होना चाहिए। तो समझो, अगर आपके कंपनी में सिचुएशन ये है कि आप कमाते ज्यादा हो एक्सपेक्टेशन से, तो अगर आप ऐसी कंपनी में, अगर समझो फिर भी तुम कुछ डिविडेंड पे कर रहे हो, समझो तुम्हारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है 40%, तो होगा क्या? तुम पे तो कर सकते हो, पर तुम्हारा मार्केट प्राइस पर शेयर ना कम आएगा फिर। मतलब कि बेटा, अगर ये सिचुएशन है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर मैक्सिमम आए, तो तुमको ये फॉलो करना होगा। तो अगर तुम ये ऑप्टिमम डीपीआर फॉलो करोगे तो मैक्सिमम शेयर प्राइस अचीव हो पाएगा, इसका ये मतलब होता है। बोलते हैं कोरिलेशन बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड एमपीएस। अब यहां पे क्या होगा सोच के देखो, अगर इस केस में मैं जितना ज्यादा डिविडेंड दूंगा ना, उतना ज्यादा मार्केट प्राइस कम होगा मेरा, क्योंकि यहां पे आपको डिविडेंड देना ही नहीं चाहिए। इसलिए तो साइज और डिविडेंड और एमपीएस में नेगेटिव कोरिलेशन यहां पे होगा, या नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर ज्यादा डिविडेंड दूंगा तो मार्केट प्राइस पर शेयर दनादन गिरेगा मेरा। लेकिन अगर आपके कंपनी में केई ज्यादा है आर से, तो ये एक डिक्लाइनिंग कंपनी है। क्यों डिक्लाइनिंग? अरे भैया, लोग जितना एक्सपेक्ट करते हो तुम उतना भी कमा के दे नहीं पा रहे, तो लोगों का तो पैसा कम, क्या बताइए, एक्सपेक्टेशन से भी तुम कम कमा के दे रहे हो उनको, तो ये डिक्लाइनिंग कंपनी होती है। यहाँ पे इट इज एडवाइजेबल कि आपको जितना पैसा कमाया पूरा डिविडेंड दे दो, क्योंकि तुम कुछ काम के नहीं हो कंपनी वालों, तो तुम एक्सपेक्टेशन जितना भी कमा के नहीं दे रहे। यहाँ पे कोरिलेशन बिटवीन साइज और डिविडेंड एमपीएस होता है पॉजिटिव। मतलब जितना ज्यादा डिविडेंड दूंगा ना उतना अच्छा है यहाँ पे, तो डिविडेंड ज्यादा दूंगा तो एमपीएस ज्यादा, और अगर मुझे एमपीएस मैक्सिमाइज करना है तो ऑप्टिमम डीपीआर को फॉलो करो 100%। और अगर मेरा केई और आर दोनों एक दूसरे से इक्वल है तो क्या करूं? तो इसको कांस्टेंट कंपनी बोलते हैं। फिर कितना भी डिविडेंड का परसेंटेज दो फर्क नहीं पड़ता, मार्केट प्राइस जो है वो वही रहता है। तो मैं अगर डिविडेंड 5 रुपये बांटूँ, 10 रुपये बांटूँ, 15 रुपये, कितना भी डिविडेंड बांटूँ, हमारे मार्केट प्राइस में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लिखा है नो कोरिलेशन, राइट? ओके, आगे तो इन्होंने फॉर्मूला बेटा दिया था वॉल्टर ने, इसका बहुत बढ़िया हमने डेरिवेशन हमारे रेगुलर क्लासेस में करवाया था बच्चों के, इसके डेरिवेशन में हम अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है? तो इनके फॉर्मूला को याद रखेंगे। तो वॉल्टर भाई साहब ने बोला कि किसी भी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना होना चाहिए? बोलते हैं इट इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर इंटू आर अपॉन के एंड दिस होल डिवाइडेड बाई के। तो ये फॉर्मूला याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल चिल टू सवाल इसके आते हैं। डने बात, आगे नेक्स्ट, डने पक्का? तो इसका ये तो सब डेरिवेशन है, ठीक है ना? ये फॉर्मूला प्लीज आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्टर का फॉर्मूला है ये। यस, वॉल्टर के भी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि बहुत ही सिंपल है इसका फॉर्मूला, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू कंप्यूट है। इट कैन एनविसेज डिफरेंट पॉसिबल एमपीएस इन डिफरेंट सिचुएशन, है ना? तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग एमपीएस यहाँ पे निकलती है, ठीक है ना? मतलब ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करता है, इसलिए एडवांटेज है सर। लिमिटेशन क्या है? डज नॉट कंसिडर ऑल दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। तो और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो डिविडेंड को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर समझो हमारे कंपनी में बोल रहे हैं कि हमारी कंपनी डिक्लाइनिंग कंपनी है, ठीक है ना? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट? और तो क्या बोल रहा है वॉल्टर कि आपका ऑप्टिमम डीपीआर है 100%। मतलब कि वॉल्टर बोल रहा है कि जितना पैसा कमाए ना पूरा डिविडेंड बांट डालो, लेकिन मेरे पास समझो कैश बैलेंस ही नहीं बचा। अरे भैया, क्या कैश बैलेंस भी होना चाहिए? कैश एंड बैंक बैलेंस होगा तो डिविडेंड बांट पाऊंगा ना। ऐसा होता है बहुत बार कि प्रॉफिट है लेकिन कैश बैलेंस कम है, ऐसा हो सकता है। अगर तुमने उधारी पे माल वगैरह बेचा होगा तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वॉल्टर यहाँ पे तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहा कि तुम्हारे पास कैश बैलेंस बैंक बैलेंस कितना है। इन शॉर्ट, हमारे डिविडेंड को मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करता है, ऐसा समझ में आ रहा है? चलिए आगे बोलते हैं। अच्छा, बोलते हैं डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इज ऑल्सो डिफिकल्ट। अब यहाँ पे ना के ना क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया रहता,
तो क्वेश्चन में डायरेक्टली के दिया रहता था, हम डायरेक्ट ले लेते, पर एक्चुअल में के निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा बोल रहे हैं। बोलते हैं फॉर्मूला इग्नोर्स द फैक्टर लाइक टैक्सेशन, लीगल ऑब्लिगेशंस, मैनेजमेंट पॉलिसी, एटीट्यूड टुवर्ड्स डिविडेंड पॉलिसी। मतलब इतने मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो डिविडेंड को अफेक्ट करते हैं, ये सारे फैक्टर्स को ये इग्नोर करता है, ऐसा। चलिए आगे, फिर नेक्स्ट बात आती है आपके गॉर्डन भाई साहब की। गॉर्डन भाई साहब अगेन, इन्होंने भी जो थ्योरी दी ये रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट था, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही होगी तो लाइक कर देंगे यार वीडियो को, ठीक है ना। चलिए वापस आएंगे, तो गॉर्डन जो है इन्होंने भी रेलेवेंस थ्योरी दिया। इन्होंने बोला भाई साहब कि डिविडेंड के अमाउंट से कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर अफेक्ट होता है, इनका ये मानना है। अगेन इन्होंने भी कुछ अजम्पशंस लिए, बेटा देखो अजम्पशंस लेने ही पड़ते हैं तब जाके ही कोई थ्योरी बना सकते हैं, विदाउट अजम्पशंस कोई भी थ्योरी बनती नहीं है। एक बार क्विकली अजम्पशंस को रीड करेंगे, मैं 1 मिनट बस पानी पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए डन है क्या? यस, चलिए ओके, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था आपको, प्लीज़ ध्यान दीजिए। यस, तो मेरा बोलना यह था कि गॉर्डन भी रेलेवेंस थ्योरी का पार्ट है, ठीक है ना। इसमें बोलते हैं कि फर्म इज व्हाट, समझो फर्म इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, ये बोलते हैं अजम्पशन है इनका, मतलब कोई डेट नहीं है। इन्वेस्टमेंट जब भी बिजनेस में पैसा लगेगा तो रिटर्न अर्निंग से लाएंगे। आपका आर के बी, बी होता है रिटेंशन रेशियो, आपका रिटेंशन रेशियो होता है बी, और जी होता है ग्रोथ रेट, ठीक है ना। ये कांस्टेंट रहेगा, आपका के ई हमेशा ज़्यादा रहेगा ग्रोथ रेट से, और फर्म का परपेचुअल लाइफ है। अब एक बार जल्दी से मैं ये बी के बारे में बता देता हूँ। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा था डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, चलो एक बार या तो ऐसा देखो, समझो मेरा अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये, मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो या डिविडेंड पर शेयर, चलो इसमें से मैंने डिविडेंड बांटा 7 रुपये का, तो मेरा रिटेन अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा, 3 रुपये, मतलब पर शेयर 3 रुपये मैंने रिटेन किया ऐसा, ठीक है। अब इसी चीज़ को यूज़ करके बेटा हमारा निकलता है डिविडेंड पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो। तो डिविडेंड रिटेंशन रेशियो को डिनोट करते हैं बी से, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, ये होता है बेटा आपका डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, तो 7/10 70%, और रिटेंशन रेशियो होता है रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ठीक है। मतलब कि 3/10 दैट इज 30%, ठीक है ना बात। तो रिटेंशन रेशियो समझ में आ रहा है कि हम हमारे अर्निंग्स में से कितना प्रतिशत पैसा रिटेन कर लेते हैं बिजनेस में। अच्छा एक और चीज़, ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ ना बेटा तो मुझे 100% मिलता है, कॉमन सेंस की बात है ना, क्योंकि बेटा मैं ईपीएस के ये दो ही हिस्से करता हूँ। तो अगर ईपीएस में से 70% डिविडेंड में चला गया तो बाकी का 30% रिटेन अर्निंग में गया होगा। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, सिंपल है क्या बात है, पक्का? हाँ? क्या सिंपल है क्या बात है?
बताइए प्लीज, डन है बात। ठीक है, आइए इधर। तो समझ में आ गए, तो हम रिटेंशन रेशो जो है ना, ये इसको लिखते हैं बी। ठीक है, ओके, आगे चलिए। तो अब ये क्या बोलना है इनका, इनका भी सेम वही चीज बोलना है कि अगर समझो आपके कंपनी में आर ज्यादा है के से, मतलब कौन सी कंपनी है ये, एक होता है ग्रोथ, एक होता है डिक्लाइनिंग, एक होता है कॉन्स्टेंट, ये कौन सी है, ये ग्रोथ कंपनी है, आर ज्यादा है, आप ज्यादा कमा रहे हैं एक्सपेक्टेशन से, ग्रोथ कंपनी है, तो शेयर प्राइस विल इंक्रीज, डीपीआर विल डिक्रीज। तो ऐसे कंपनी में डीपीआर आपको कम बांटना चाहिए, तब जाके शेयर प्राइस बढ़ेगा। और अगर आप एक्सपेक्टेशन जितना भी कमा के नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, शेयर प्राइस इसका गिरेगा अगर डीपीआर और इसका बढ़ेगा। तो ऐसी कंपनी का शेयर प्राइस गिरेगा मार्केट में, और हमें यहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा से ज़्यादा बांट देना चाहिए। सेम ये सेम चीज़ ये बोलता है, ये भी गॉर्डन में भी सेम चीज़ आती है कि अगर आपका के आर से कम है तो ग्रोथ कंपनी है, ऑप्टिमम डीपीआर 0%, के अगर ज़्यादा है आर से तो डिक्लाइनिंग कंपनी है, ऑप्टिमम डीपीआर 100%, और अगर दोनों इक्वल है तो कितना भी डिविडेंड बांटो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, आगे। अब बात आती है जीरो ग्रोथ। अच्छा, मैं आप सबको एक चीज़, एक एडवाइस देना चाहूँगा। मैंने ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ सेशंस लिए थे, ये बेसिक्स थे ना, जैसे हम जो डेमो क्लासेस अपलोड करते हैं ना हमारे एफएम के बैच के लिए, उसमें इनिशियल सेशंस में ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने क्या किया था ना, इसका एक वीडियो पूरा मर्ज करके, मैंने एक वीडियो पूरा, जितने भी हमारे उसके लेक्चर्स हुए थे उसको मर्ज करके एक सिंगल वीडियो मैंने बनाया हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों को ना, जैसे जैसे ही उसने ये फॉर्मूला देखा, उसको अगर ये फॉर्मूला समझने में दिक्कत हो रही है ना, इसका मतलब है कि तुम्हारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो मेरा आपसे एडवाइस रहेगा, वो यूट्यूब पे ही पड़ा है, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो है ना ये वीडियो देखें, ये आप बेटा इस बात को समझो, हम यहाँ पे आपको सीए फाउंडेशन मैथ्स की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे भी ये टॉपिक था, लेकिन मैंने जब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाया ना, मैंने इसको एफएम के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया हुआ है वो क्लासेस में। तो अगर आपको जैसे ऐसे फॉर्मूलाज को समझने में दिक्कत होती है ना, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, एक बार वापस देखना चाहिए, अगर आपने पहले भी देखा है और अब भी आपको समझो अब याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एक बार क्विकली इसको आप स्पीड बढ़ा के देख लिया देख लो, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च करना टाइम वैल्यू ऑफ मनी एमवी सर, ऐसा अगर आप डाल दोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, है ना, देख लेना। तो मैंने एफएम के, देखो बात क्या है ना, मैथ्स आपका फाउंडेशन का देख के नहीं चलेगा, आपको एफएम के पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है इसको। ऑब्वियसली फॉर्मूला फाउंडेशन मैथ्स फॉर्मूला तो सही में रहेगा ना, लेकिन हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है, उसका वीडियो यूट्यूब पे ही है, आप प्लीज देख देख लेना जिसको भी प्रॉब्लम है इसके कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चले आइए वापस, है ना, चले आइए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, कम ऑन, ओके, ध्यान दीजिए, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर समझो जीरो ग्रोथ है ना, तो अब यहाँ पे देखो क्या अज्यूम कर रहा है, यहाँ पे अज्यूम ये कर रहे हैं कि समझो आज मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा और ये कंपनी से अब मुझे हर साल एक कॉन्स्टेंट रेट ऑफ डिविडेंड मिलते जा रहा है और कोई ग्रोथ नहीं हो रही डिविडेंड में, तो हर साल छः 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 रुपये मिल रहे हैं, तो क्या ये एक परपेचुटी के जैसा हो गया क्या, परपेचुअल एनुटी, क्या ये एक परपेचुटी के जैसा हो गया क्या कि हमें सेम अमाउंट हर साल मिलते जा रहा है, यस, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो अगर हमें ये सारे अमाउंट्स का आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे ए अपॉन आर, आर क्या होता है आपका एक्सपेक्ट, यहाँ जब हमें लिखते हैं ना ए बाय आर, एक्चुअली वो ये वाला आर आर वाई नहीं होता, ये आर होता है एक्सपेक्टेड रेट वाला आर, जो अपन फॉर्मूला में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे समझो अगर मैं ऐसे कंपनी का कोई शेयर खरीदना चाहता हूँ जिस पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हर साल मुझे 6 रुपये का डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, तो ऐसे कंपनी का आज का शेयर प्राइस कैसे निकलेगा। देखो कोई भी चीज़ का आज का वैल्यू निकालना है ना, कैसे निकलता है, फ्यूचर, अगर मैं आज कोई चीज़ खरीदता हूँ फ्यूचर में जो भी मुझे उससे पैसा मिलने वाला है ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालूँ, आज अगर मैं कोई भी चीज़ खरीदता हूँ इसका फ्यूचर में जो भी मुझे कैश फ्लोस मिल रहे हैं वाले हैं ना, इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो इससे मुझे उस चीज़ की आज की वैल्यू मिलती है, इसको बोलता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जो हम यूज़ करते हैं एफएम में ज़्यादातर। तो वैसे ही इस शेयर की आज की प्राइस निकालना है, कैसे करूँ, यहाँ पे परपेचुटी का जो प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी का फॉर्मूला होता है बस वही लगाना है, सो D1 अपॉन K से मेरा आ जाएगा। कब होगा ये, जब ग्रोथ रेट आपका जीरो है तब, लेकिन अगर आपका कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है, ये भी मैंने डिराइव करके बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले क्लास में, एंड ऑब्वियसली इसमें भी बताया था जो हमारे रेगुलर क्लासेस में। अभी फॉर्मूला याद रखे कि कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल मतलब हम जो है आज किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे और हर साल हमारा जो डिविडेंड है ना एक कांस्टेंट रेट से ग्रो होगा,
तो ऐसे केस में मैं कंपनी का आज का वैल्यू कैसे निकालू, शेयर प्राइस का वैल्यू कैसे निकालू? तो इसका फॉर्मूला या तो होता है, फॉर्मूला होता है एक्चुअली ये कि फर्स्ट ईयर के एंड का डिविडेंड अपॉन के माइनस जी। लेकिन समझो अगर आपको डी वन नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो डी जीरो में वन प्लस जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वन मिल जाएगा। तो डी जीरो इंटू वन प्लस जी, डी वन अपॉन के माइनस जी, ठीक है। और अगर बेटा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऐसा देखो, यही बात होती है कॉन्सेप्ट रजिस्टर के, हमारे हैंड रिटन नोट्स की। हम यहाँ पे ना आपको क्या करते हैं, ऐसे रेफरेंसेस देते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको ये तीन फॉर्मूला दिए हैं, मैंने क्या लिखा है नीचे चेक करो। अगर समझो क्वेश्चन में आपको ईपीएस का डेटा दिया है, रिटेंशन रेशियो का डेटा दिया है, तो आपको फिर ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करना चाहिए सॉल्विंग के लिए, फिर ये फॉर्मूले नहीं लगाने, समझा गया? तो एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन 4 है ना, वो चेक करना, उसमें ये फॉर्मूला मत लगाना। क्वेश्चन में अगर ईपीएस दिया है और रिटेंशन रेशो दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। देखो अर्निंग पर शेयर इंटू वन माइनस बी, मतलब समझो मेरा अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये, डिविडेंड पर शेयर है 7 रुपये, रिटेन अर्निंग पर शेयर है 3 रुपये, तो मेरा रिटेंशन रेशो हो जाएगा 30% और डीपीआर हो जाएगा मेरा 70%, करेक्ट। अब अगर मुझे मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, देखो मुझे न्यूमरेटर में तो D1 चाहिए, मतलब डिविडेंड पर शेयर चाहिए न्यूमरेटर में, है ना? तो अगर मुझे ये डिविडेंड पर शेयर निकालना है, पर मेरे पास ये डेटा नहीं है, मेरे पास ये डेटा नहीं है, मेरे पास क्या है, ये डेटा है और ये डेटा है, तो क्या मैं डायरेक्टली डीपीएस निकाल सकता हूँ? आंसर है यस। कैसे? अर्निंग पर शेयर इंटू वन माइनस रिटेंशन रेशियो, चेक करो आंसर आएगा 7 रुपये डिविडेंड पर शेयर। तो वही चीज हो रही है यहां पे भी, यहां पे भी वही चीज हो रही है, ठीक है। यहां पे भी न्यूमरेटर में डिविडेंड पर शेयर ही आ रहा है, ठीक है, ओके। चलिए तो यहां पे हम बस ये अज्यूम करते हैं कि जो अर्निंग्स है ना ये फर्स्ट ईयर के एंड की है, तो क्या होगा, ये जो डिविडेंड आएगा वो फर्स्ट ईयर के एंड का ही आएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ई इंटू वन माइनस बी अपॉन के ई माइनस बी इंटू आर। अब डिनोमिनेटर में हम लिख रहे थे के ई माइनस जी, के ई माइनस जी, के ई माइनस जी, तो जी निकालने का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, ग्रोथ रेट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको रिटेंशन रेशियो को मल्टीप्लाई करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, या इसी चीज को लिख सकता हूं बी इंटू आर, ये करने से भी आपका ग्रोथ रेट आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने यहां पे बी इंटू आर लिखा हुआ है, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़े, तो ये इसका फॉर्मूला है, आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको अभी जस्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए सारे, ठीक है ना, है ना। आपको रिटेंशन रेशियो बताया, आर ई पी एस अपन ई पी एस, है ना, या टोटल में करना है तो टोटल रिटेन अर्निंग्स अपन टोटल अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन में यूज होता है। अगर समझो आपको कभी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर नहीं दिया होता ना, तो आपको क्या करना है, अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन पी ई रेशियो दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, के ई को इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो याद रखें कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 1/P रेशियो, इसको याद रखना है, राइट। तो हमारा पी रेशो क्या होता है, हमारा पी रेशो होता है बेटा मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। तो अगर मैं 1/P रेशो लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। और अगर आपको याद आ रहा हो FM चैप्टर 4 में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं अर्निंग्स प्राइस मॉडल, ये वही चीज़ है, अर्निंग्स प्राइस मॉडल, अर्निंग्स अपॉन प्राइस। तो 1/P रेशो करने से होता क्या है, आपका हो जाता है अर्निंग्स अपॉन प्राइस, इसको बोलते हैं अर्निंग्स प्राइस मॉडल के ई निकालने का। तो याद रखेंगे अगर क्वेश्चन में के ई नहीं दिया है लेकिन पी रेशो दिया है, तो के ई इज इक्वल टू 1/P रेशो, पी रेशो का रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये बच्चों को बहुत डाउट आता है कि सर कब डी जीरो मानना है, हमारे डिविडेंड को कब डी जीरो कब डी वन मानना है, ये भी मैंने क्लासेस में बच्चों को लिखवा दिया है। देखो अगर क्वेश्चन में लिखा हो करंट डिविडेंड या लास्ट ईयर डिविडेंड या हैड पेड डिविडेंड, मतलब कि ये है डी जीरो। अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड, डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड, मतलब कि डी वन दिया हुआ। लेकिन एक चीज याद रखें, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 में आपके साथ होने वाला है, स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 में, है ना, स्टडी मॉडल के प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 में आपके साथ ये चीज होने वाली है कि वहां पे लिखा होगा एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड एग्जाम्पल ऑफ 10 रुपीज, अज्यूमिंग डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5%, समझो
अगर समझो एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड के साथ अगर ये लाइन भी लिखी होती है, मतलब आपको ये 10 रुपए को समझना है डी जीरो, और उसमें फिर ये ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करना है 1+g करके, तब जाके डी वन आता है। तो बस ये एक अनोखा केस है, ये आप याद रखना इस चीज को, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 6 में आपको ये काम आएगा कि वहां पे जो डिविडेंड दिया रहेगा वो डी जीरो लेना पड़ेगा। तो अगर इसके साथ ये लाइन दी रहती है तो उसको डी जीरो माने इस डिविडेंड को, और उसमें फिर ग्रोथ रेट का इफेक्ट ऐड करें, तब जाके डी वन आएगा। ठीक है, चलिए आगे। फिर ये तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि वो बी इंटू आर है ना, जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, ये कैसे होता है ये उसका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है, ये समझाया था कि वाई ग्रोथ रेट इज बी इंटू आर। ठीक है, तो हर एक चीज़ का हम डेरिवेशन सब चीज़ें देखते हैं क्लासेस में, अभी रिविजन चल रहा है तो इससे धनाधन आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। अब सुनिए एक बात समझना बेटा, इन ये सारी चीज़ों को एक्चुअल में बोलते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अच्छा खत्म हो गया ना, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। इसके जो थेरी टॉपिक है ना वो अलग से बाद में आएगा, उसका सेशन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें सब इसमें बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। वैसे खत्म हो गया चैप्टर, ठीक है ना, अभी वापस आइए। अब सुनिए बात, हम अभी तक जो कर रहे थे ना, मतलब जब से मैंने गॉर्डन की बात चालू की, हम यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस निकालने के लिए डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल को यूज कर रहे थे। एक्चुअली बोलते हैं किसी कंपनी का शेयर प्राइस निकालने के मल्टीपल तरीके होते हैं, एक तरीका है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जो फॉलो करता है आपका वही कैश फ्लो टेक्निक, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। बोलता है अगर समझो आपको कंपनी का शेयर प्राइस निकालना है और आपको अगर ये मॉडल यूज करना है, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, समझो अगर ग्रोथ रेट नहीं है तो क्या होगा शेयर प्राइस आज का, डी वन अपॉन के। अगर कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट है, मतलब हर साल सेम रेट से ग्रो हो रहा है, तो शेयर प्राइस हो जाएगा डी वन अपॉन के माइनस जी। अगर समझो वेरिएबल ग्रोथ है, मतलब हर साल का ग्रोथ रेट अलग है, तो हर साल का आपको अलग से डी वन डी टू डी थ्री डी फोर निकालना पड़ेगा, सबको रिस्पेक्टिव आपको डिस्काउंटिंग करनी होगी, और जो आपका रिडेम्पशन वैल्यू होगा है ना, जो आखिरी ईयर का जो वैल्यू रहेगा वो, उसको भी आपको आखिरी साल के उससे डिस्काउंटिंग करनी होगी। तो वेरिएबल ग्रोथ रेट में क्या होगा, हमको सारे कैश फ्लोज को अलग से लाना पड़ेगा प्रेजेंट पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये करने से ही सारे कैश फ्लोज एक झटके में आज के ऊपर आ जाते हैं, आज के वैल्यू पे, और यहाँ पे डी वन अपॉन के करने से आज की वैल्यू आ जाती है बस। तो इस अब समझिए ये क्या है, ये तीनों चीज़ है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। हम ये बोलता है कि अगर आज की शेयर की वैल्यू निकालनी है ना, तो फ्यूचर के डिविडेंड्स को डिस्काउंट करके निकालो, ये बोलता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। समझ में आ रही बात है। अब इसमें आता है कि इसके अंदर बेटा जो कांस्टेंट ग्रोथ वाला जो मॉडल, जो कांस्टेंट ग्रोथ वाला जो केस है ना, इसको बोलते हैं गॉर्डन मॉडल। मतलब ये गॉर्डन मॉडल नहीं है, ये गॉर्डन मॉडल नहीं है, गॉर्डन मॉडल है ये एक्चुअली। तो आपको अगर गॉर्डन मॉडल बोला, मतलब कि क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट दिया होगा, तभी गॉर्डन मॉडल ये लगता है। समझ में आ रहा है ऐसा। तो अब बात आती है ये जो वेरिएबल ग्रोथ वाला जो है ना बेटा, यही चीज़ यूज होती है बहुत बार, आपको क्वेश्चन में बोला होगा कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। अब टेक्निकली देखा जाए तो हम यहाँ पे भी जब आज की वैल्यू निकाली शेयर की, ये क्या है, दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, टूडेज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, कि एक्चुअल में शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये फॉर्मूला से भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल रही है, इससे भी इंट्रिंसिक वैल्यू ही निकल रही है, करेक्ट। तो अगर मुझे बोला इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, मतलब शेयर की आज की वैल्यू निकालो, यही डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है। अब चेक करो, अगर ग्रोथ नहीं है तो ये लगाऊंगे, कॉन्स्टेंट ग्रोथ है तो ये लगाऊंगे, और वेरिएबल ग्रोथ है तो ये लगाऊंगे, सिंपल सी बात है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, तो क्या करना है आपको, हर साल के डिविडेंड को प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और जो भी आपका रिडेम्पशन वैल्यू या सेल वैल्यू होगा इसका भी अलग से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, सबको ऐड कर देना है, खत्म हो गया। यस तो मुझे बताइए डी वन क्या है, फर्स्ट ईयर के एंड का डिविडेंड, डी टू क्या है, सेकेंड ईयर के एंड का डिविडेंड, डी थ्री क्या होगा आपका, थर्ड ईयर के एंड का डिविडेंड, ऐसा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हम डी जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे 1+g1, मतलब पहले साल का जो ग्रोथ रेट है उससे मल्टीप्लाई करो इस डिविडेंड को। फिर डी टू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम बोलेंगे डी वन इंटू 1+g2, सेकेंड ईयर का जो ग्रोथ रेट है ना वो इसमें ऐड करो, तो आपको अगले साल का डिविडेंड आए, अगले साल का डिविडेंड आएगा ईयर टू के एंड का। मुझे डी थ्री चाहिए तो कैसे आएगा, डी टू में मल्टीप्लाई करो 1+g3, तो आपको ये डिविडेंड आ जाएगा।
तो क्या किया, अब हर साल के डिविडेंड को हमें डिस्काउंटिंग किया हमने, और यहां पे रिडेम्पशन वैल्यू को डिस्काउंट किया, तो आज की वैल्यू आ जाएगी। बस सिंपल सा पॉइंट है। तो फिर क्या होता है कि हमें ना क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ना यहाँ पे क्वेश्चन आता है ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का है? आपको क्वेश्चन आता है ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का। सर मतलब क्या है? आपको क्या करेंगे ना, क्वेश्चन में ऑलरेडी बता देंगे कि हमारे कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है 1500 रुपये। बोलेंगे बताओ ये शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो आपको करना क्या है, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल के बताना है शेयर की। समझो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आती है, ये मतलब ये तरीका अपना के, समझो वैल्यू आती है शेयर की, ये तरीका अपना के वैल्यू आती है शेयर की 1300 रुपये। मतलब कि जो शेयर 1300 का होना चाहिए था वो मार्केट में 1500 का मिल रहा है। मतलब कि मार्केट में जो प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। और अगर समझो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 1900 रुपये, मतलब जो शेयर 1900 का होना चाहिए था वो मार्केट में 1500 का मिल रहा है, मतलब कि शेयर अंडर वैल्यूड है। तो अगर बेटा कोई चीज अंडर वैल्यूड होती है ना तो उसको तब खरीदा जाता है, और अगर कोई चीज ओवर वैल्यूड होती है तो उसको बेच दिया जाता है। तो अगर समझो ये हमारा सिचुएशन है कि 1300 प्राइस होनी चाहिए थी पर मार्केट में 1500 चल रही, भैया तुरंत शेयर को बेच डालो। और अगर समझो प्राइस 1900 होनी चाहिए थी लेकिन मार्केट में 1500 का ही मिल रहा है, अरे भैया खरीद लो शेयर को, सस्ते में मिल रहा है। तो ये ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का कॉन्सेप्ट होता है। समझ में आ रही बात है? डन है बात, पक्का है ना? आगे बढ़ेगा मुझे बताइए। डन, तो बस हमें ऐसे ही निकालना होता है आज का प्राइस। डन है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हो गया। बस आखिरी देख लो, अभी खत्म हो गया। दोस्तों को बता देना भैया कि ultimatesea.com पे जाके हमारे FMSM की क्लास ले ले बाद में, ठीक है? चलिए आइए वापस। लास्ट चीज देख लीजिए, ट्रेडिशनल थेरीज और डिविडेंड, खत्म हो गया। ध्यान दीजिए, बोलते हैं ग्राहम एंड डॉट मॉडल एंड लिंटर्स मॉडल। ग्राहम एंड डॉट क्या बोलता है भैया? ग्राहम एंड डॉट बोलता है, देखो आपको याद है कि पीई रेशो क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना? और पी रेशो जो ना बेटा, ये आता है नंबर ऑफ टाइम्स में। समझो मेरा पी रेशो है, एग्जांपल ये है 10 times, ठीक है ना? मतलब कि एक मल्टीप्लायर के जैसा होता है। क्या होता है ये एक मल्टीप्लायर के जैसा होता है, ठीक है ना? मतलब कि अगर मेरा अर्निंग पर शेयर समझो किसी कंपनी का 3 रुपये है, और अगर पी रेशो है 10 times, मतलब उस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर होगा आपका 3 × 10, 30 रुपीज़ हो जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब कि बेटा मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे आता है, आपका पीई रेशो को मल्टीप्लाई कर दो अर्निंग पर शेयर से, ऐसा, ठीक है? तो यहाँ पे पीई रेशो क्या है, ये एक प्रकार का मल्टीपल है। बस यही लॉजिक ये लोग लगाते हैं। ग्राहम एंड डॉट बोलते हैं कि हमारे कंपनी का जो प्राइस है, हमारे कंपनी का जो प्राइस है ये कैसा आएगा, एक मल्टीप्लायर का मल्टीप्लायर होगा, उसको मल्टीप्लाई करो इससे, बस। सर क्या ये मल्टीप्लायर पी रेशो होता है? आंसर है नहीं। इसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, इसको मल्टीप्लायर ही बोलते हैं बस। ये क्वेश्चन में इसका डेटा दिया रहेगा, आपको वो निकालना नहीं है, ठीक है? या बोलेगा ये सब डेटा दिया रहेगा, बोलेगा ये निकालो, ऐसा, ठीक है? तो ये क्या बोलता है ग्राहम एंड डॉट कि आज की मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे आएंगे, मल्टीप्लायर इंटू डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर। अब ग्राहम एंड डॉट का मानना था कि देखो जब हम लिखते हैं ना ऐसा कि मार्केट प्राइस पर शेयर इज पीई रेशो इंटू अर्निंग पर शेयर, इसमें क्या होता है ना, हम अर्निंग पर शेयर को पूरा वेट दे रहे हैं, पूरी इज्जत सिर्फ अर्निंग पर शेयर को दे रहे हैं, इनका बोलना यह गलत है। बोलते हैं आपको डिविडेंड पर शेयर को 3 गुना ज्यादा वेट देना चाहिए एज कंपेयर टू अर्निंग पर शेयर। तो शेयर प्राइस निकालने के लिए इसका वेटेज भी होना चाहिए कुछ, इसका भी कुछ वेटेज होना चाहिए, तो इसको 3 गुना ज्यादा वेटेज देना चाहिए इससे, ऐसा इनका मानना था। इसलिए फॉर्मूला ऐसा बनता है कि प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू पी जीरो इज इक्वल टू प्राइस एट ईयर जीरो इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इनटू डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर अपॉन 3। बस इतना ही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एम की वैल्यू जनरली क्वेश्चन में ही दी रहती है, आपको कुछ अलग से नहीं होता है करना, ठीक है? बस इतना ही है आगे। एंड फाइनली लिंटर, लिंटर भाई साहब जो है बेटा, लिंटर भाई साहब आपको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करके नहीं बताते। लिंटर भाई साहब बोलते हैं कि अगले साल डिविडेंड कितना देना चाहिए,
इनका बोलना होता है कि आप अगर एकदम जैसे समझो अगर आपकी अर्निंग बहुत बढ़ जाती किसी साल में और आपने डिविडेंड भी एकदम से बढ़ा दिया ना, तो अब क्या होता है ना कि शेयर होल्डर वो एक्सपेक्ट करना चालू कर देते हैं कि अगले साल भी तुम ज़्यादा डिविडेंड दोगे। समझो आपने एक साल डिविडेंड दिया 5 रुपये का, अब अगले साल आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हुई तो तुमने डिविडेंड बांट दिया एकदम से 50 रुपये का। अब शेयर होल्डर को क्या हो जाएगा ना, उसको आदत हो जाएगी, उसको लगेगा यार कंपनी 50 का दे रही, मतलब अगले साल भी 50 के आसपास दे, लेकिन उसके अगले साल फिर से अर्निंग कम हो जाती है और अब आप 10 रुपए का ही डिविडेंड बांटते हैं। बोलते हैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करना। बोले तुम्हारी अर्निंग बढ़ी तो तुमने पगलों जैसे ऐसा डिविडेंड काय को बढ़ा दिया। बोले अगले साल कितना डिविडेंड पे करना चाहिए ये हम तुमको बताते हैं। तुम अगर तुम्हारे अर्निंग्स के हिसाब से दनादन ऐसे इतने ज्यादा रेट से एकदम डिविडेंड बढ़ा दोगे ना, तो शेयर होल्डर्स को फिर क्या आदत हो जाएगी और फिर वो कभी भी कम डिविडेंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक फॉर्मूला बना के दिया, ये भी मैं जनरली बता दूँ क्लासेस में, अभी बस आप डेरिवेशन बता दो, अभी आपको बस ऐसा याद रखना है कि डी वन इज इक्वल टू, अगले साल का डिविडेंड शुड बी इक्वल टू डी जीरो, बोले पिछले साल का डिविडेंड प्लस आपने इस साल जो अर्निंग पर शेयर आया आपका इनटू टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो, आप कितना पे करना चाहते हो, माइनस डी जीरो। समझो आपने पिछले साल डिविडेंड पे किया था 10 रुपये का, इस साल तुम्हारा अर्निंग पर शेयर आया 500 रुपये का, तुम पे करना चाहते हो, एग्जाम्पल तुम पे करना चाहते हो 40% डिविडेंड, मतलब 200 का डिविडेंड देना चाहते हो। अरे ढोकलो, तूने अब पिछले साल 10 का डिविडेंड दिया और अब तू 200 का डिविडेंड देना चाहता है एकदम से, शेयर होल्डर को क्या बताइए। शेयर होल्डर बोलेंगे अच्छा अगले साल भी 200 के आसपास ही आएगा और अगले साल अर्निंग कम होगी, तो बोलते एक काम करो 5% 40% बोलते माइनस डी जीरो क्या है आपका 10, मतलब कि तुम पिछले साल के कंपैरिजन में 190 का एडिशनल डिविडेंड देना चाहते हो। ढोकलो, ऐसा नहीं करना। बोले इसको मल्टीप्लाई करो एडजस्टमेंट फैक्टर से। समझो आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है 20%। सर ये एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है, ये लिंटर खुद ही बताते हैं, इसको निकालने का आपने वो कुछ करना नहीं, तो क्वेश्चन में दिया रहता। समझो एडजस्टमेंट फैक्टर 20%, बोलते जो ये एडिशनल अमाउंट आ रहा ना इसका 20% ही पे करो इसके एडिशनल, मतलब 190 का 20% कितना आएगा 38 रुपये। तो बोले काम करो तुम 10 + 38 तुम 48 का ही डिविडेंड बांटना। बोलते डिविडेंड तुमको ज्यादा पे करना है, पे करो पर धीरे धीरे करके, एकदम से बहुत ज्यादा कर दोगे ना तो शेयर होल्डर्स फिर ज्यादा एक्सपेक्ट करना चालू कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या है फॉर्मूला मुझे बताइए, D1 इज इक्वल टू D0 इन सॉरी D0 प्लस EPS इंटू टारगेट DPR माइनस डी जीरो इंटू योर एडजस्टमेंट फैक्टर। तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है एडजस्टमेंट फैक्टर से। डन है बात, पक्का। यहाँ पे भी एडजस्टमेंट फैक्टर जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा। डिविडेंड डिसीजन चैप्टर के सारे जो हमारे टॉपिक्स है वो खत्म हो गए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप कि आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा, ठीक है। अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर ये शेयर करें, ठीक है ना। और मिलते हैं ऐसे ही हमारे अगले किसी रिविजन क्लास में। सो थैंक यू सो मच। एंड जैसे FM का वैसे SM के भी आएंगे, SM का एक चैप्टर ऑलरेडी हो गया है और अब आगे भी और हमारे चैप्टर्स आते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। एंड ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा है हमसे पढ़ के, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन।